नदी पर्यटन की दिशा में भारत में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत में निर्मित विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज का आनंद उठाया जा सकता है। ये कोई आम क्रूज नहीं है, ये पानी में चलता फिरता 5-स्टार होटल है। इस खास वीडियो में हम आपको इस क्रूज की अन्य विशेषताओं से रूबरू कराएंगे। अभी तक कई एक्सप्रेसवे और रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी के बेतासा दरवाजे खोले हैं। अब गंगा विलास क्रूज भारत को एक सबसे शानदार और लंबी क्रूज यात्रा के तौर पर विश्व में पहचान दिलाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। MV गंगा विलास कोलकाता से चलकर यात्रा के लिए वाराणसी के रामनगर पोर्ट पहुंच गया है। अब यह वाराणसी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। यह 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। लगभग 2 महीने के लंबे सफर के दौरान क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। ये क्रूज असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों समेत 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। MV गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इन लोगों ने टिकट बुक करा लिए हैं। यह 1 मार्च 2023 को वापस वाराणसी लौटेगा। MV गंगा विलास यात्रा कार्यक्रम को भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थलों पर ठहराव होगा। वाराणसी में बेहद लोकप्रिय गंगा आरती से इसकी शुरुआत होगी। बौद्ध धर्म के अत्यधिक श्रद्धा के स्थान सारनाथ में ये जहाज रुकेगा। ये मायोंग को भी कवर करेगा और सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली से होते हुए वैष्णव संस्कृति के केंद्र असम पहुंचेगा। पर्यटकों को बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेगा। MV गंगा विलास के टिकट की कीमत को लेकर शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज पर एक दिन का खर्च $24,692 या $300 है। भारतीयों और विदेशियों के लिए टिकट की कीमत में कोई अंतर नहीं होगा। पूरे 51 दिनों की यात्रा पर ₹12,59,000 खर्च करने होंगे। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक किए जा सकते हैं। क्रूज की खासियत की बात करें तो ये पोत 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसमें 36 पर्यटक जा सकेंगे। इसमें 3 डेक बोर्ड और 18 शानदार सुइट हैं। पर्यटकों को यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। जहाज पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। ये प्रदूषण मुक्त तंत्र से लैस है। इस क्रूज में 18 कमरे हैं। यात्रियों के साथ ही 36 क्रू मेंबर भी इसमें सवार होंगे। इस क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर उसे फिल्टर करके नहाने धोने और दूसरे काम में प्रयोग किया जाएगा। इस क्रूज में स्पा और जिम है। लाइब्रेरी और सनबाथ के लिए रूफटॉप की व्यवस्था है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा। इसे वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा PPP मोड में विकसित किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।